Hello students, I have told about your projects of Hindi and English in my previous video. आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जिसमें कि आपकी हिंदी और इंग्लिश की दो फाइल्स थी उनमें से मैंने आपको हिंदी की फाइल का जो वर्क आपको काम था जो कार्य आपको हिंदी की फाइल में करना था उसके बारे में बताया था और अब मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश की फाइल के बारे में बताऊ आई विल टेल अबाउट द वर्क ऑफ इंग्लिश प्रोजेक्ट फाइल बच्चों एजुकेशनल बुक सेंटर मीन्स ईबीसी की हमारे लिए सेकेंड फाइल है जो हमने वेस्ट मटेरियल से तैयार की है जिसमें कि जैसे कि आपने हिंदी की फाइल को जब ओपन किया था तो उसमें आपको हिंदी का पेज मिला था इसी तरीके से जब आप इंग्लिश की फाइल को ओपन करेंगे तो आपको इसमें जो पेज मिलेगा वो इंग्लिश का मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज का पेज मिलेगा इसमें देखिए बच्चों हम जब इस पेज को पढ़ेंगे हम इस पेज को पढ़ रहे हैं तो देखिए जैसे मेरे पास जो सेकंड पेज है उसमें उसमें आपके सीजंस दिए हुए हैं सीजंस क्या होते हैं मौसम विंटर स्प्रिंग समर मॉनसून ऑटम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड प्लांट्स ग्रो इन ईच सीजन हर सीजन में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे फूल फल उगा करते हैं हमें क्या करना है जैसे आपने हिंदी की फाइल बच्चों आप उन क्वेश्चंस के आंसर दिए थे जो एक प्रश्न पत्र वहां पर उसके साथ पेस्ट किया हुआ था यहाँ आपको कोई भी प्रश्न पत्र नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न बनाने हैं जो भी क्वेश्चन आप फॉर्मअप करेंगे वो आपको खुद से करना है यहाँ आपकी जो मेंटल क्रिएटिविटी है वो आप ज्यादा शो कर सकते हैं जैसे आप इसको पढ़िए इसको पढ़ने के बाद आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं आप कोई स्टोरी लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं उसके बाद आप इससे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को जो है फाइंड आउट करिए फिर उसकी हिंदी मतलब उसके अर्थ जो है वहां पर इस फाइल पर लिखिए उसके बाद आप इसमें से कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो ढूंढ कर इस फाइल में लिख सकते हैं आप यहाँ पे वर्ड लिखिए और यहाँ पर इस फाइल में आपको इसमें लिखिए लिख सकते हैं मतलब आप जितना भी इस पेज को देखकर आपके मन में जो क्रिएटिविटी आई आप इस फाइल में उस क्रिएटिविटी को शो करें जैसे हमारा जो मोटो है वो लर्निंग बाय डूइंग का है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था तो लर्निंग बाय डूइंग बेटा क्या है लर्निंग बाय डूइंग है जिसमें कि हम किसी चीज को करके या देख कर सीख रहे हैं अब अगर आप छोटे बच्चे को सेब सिर्फ कहकर बताएंगे सेब क्या होता है लाल होता है मीठा होता है गोल होता है तो वो शायद उस सेब को नहीं पहचान पाएगा लेकिन अगर आप उसी सेब को उसको दिखा देंगे और उसी सेब को उसको खिला देंगे तो फिर वो अपने लाइफ टाइम उस सेब के स्वाद को और उस सेब के आकार को कभी भी नहीं भूलेगा तो हमारी इस फाइल का हमारे इस प्रोजेक्ट का यही उद्देश्य है बेटा कि हम आपको लर्निंग बाय सीइंग लर्निंग बाय डूइंग करके जो है वो हम जो कुछ सीख सकते हैं करके हम सीखे देख कर हम जो सीखे वो हमारा इस प्रोजेक्ट को आपको सिखाने का उद्देश्य है और मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है होगा और थैंक यू आप इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से कंप्लीट करें थैंक यू